हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे 130 प्लस सीटेट में 130 प्लस कैसे लाएं, ठीक है। तो आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर का पढ़े हुए हैं उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा अगर आप लोग जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं इंद्रेश जीएस क्लासेस से, जो उस पर लगभग 2 महीने पहले से ही प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ठीक है, आप उन्हीं प्रैक्टिस सेट का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और एक बात और, एक अफवाह चल रही है कि कोरोना बहुत तेज़ी के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि सीटेट की परीक्षा टल जाएगी या वाह वगैरह वगैरह, तमाम वीडियो क्या है वायरल हो रहे हैं। तो आप उन सभी वीडियो पर कोई फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी स्टडी फोकस करिए। आपके पास मात्र जिन लोगों का 28, 29, 30 में है जो है, उनके लिए क्या, आज हो गई आपकी 24 तारीख, तो समय ही कितना बचा है, जो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। इसलिए उन सभी अफवाहों को इग्नोर करते हुए आप अपनी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा 130 प्लस लाने की कोशिश करिए, जो है, ठीक है। 130 से 140 प्लस अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, 130 130 125 140 प्लस लाने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी बातों को इग्नोर करके, मेरे ख्याल से मानिए तो 7-8 दिन का 28-29 को वो लोग जो है फालतू की वीडियो देखे ही मत, जो अफवाह जो फालतू की चल रही है इन सभी चीज़ों पे, आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, फोकस करिए, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को क्या करना था, बताना था। अगर आप लोगों की कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों में से कोई भी मतलब टाइपिंग करना जानता हो क्वेश्चन की जो है, तो आप लोग वो लोग भी मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, या उसकी कोई हैंड रिटन नोट चाहिए, जो भी चाहिए जो है, आप लोग मेरे टेलीग्राम इंद्रेश जीएस क्लासेस से जुड़ करके वहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक ठीक तो इन सभी बातों अफवाहों पे आप फोकस मत करिए। आज के लिए इतना ही बताना था, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबका कमेंट रीड करता हूँ, ठीक है। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।